के नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने तायात ना अहल कर दिया, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तायात ना अहली को जवाब बनाकर उनके कागजात को चैलेंज किया है। नवाज शरीफ भी अभी मुश्किल से बाहर नहीं निकल पाए। नवाज शरीफ के दोनों हलकों से कागजात नामजदगी को चैलेंज कर दिया गया। अगर ये आरओ ये प्रेशर नहीं ले सकता तो ये आरओ इलेक्शन के दिन क्या करेगा कि टॉप 200 लीडरशिप ले लेगा, तो उसमें 180 या 190 जो है वो डिस्क्वालीफाई साथ किया, जो कि लग रही थी कि इंडिया से कोई जो है वो अमृतसर से पुलिस आई थी और पीटीआई के सारे कारकुनान को टारगेट कर रही थी। हुए बल्ले का निशान होगा तो हर किसी को पता है बल्ले पे ठप्पा लगाना है वो ठप्पा लगाएगा। पीटीआई लगता तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में 100 में से 80-85 सीट जीत जाएगी, शायद ये कोशिश करें कि 30-40 लोगों को खरीद ले, ब्लैकमेल कर दें। नाज़रीन, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हैं या नहीं, क्या वो 2024 का इलेक्शन लड़ पाएंगे या उनको जो 10 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था उस फैसले के मुताबिक वो नाअहल ही रहेंगे, इस पर आज मेहर बुखारी और पीटीआई के तैमूर झगड़ा ने लाइव शो में ऐसे तहलका खेज इंकशाफात पेश किए जिसे सुन के नून लीग के गुब्बारे से हवा निकलती हुई नज़र आ रही है। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। आज लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवारों के तजवीज और तायद कुनंदगान को हरासा करने के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस अली बाकर नचवी ने सरकारी वकील और इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि अगर ये कहते हैं कि इन्हें इसलिए हिरासत में लिया गया ताकि कागजात जमा ना करवा सकें तो फिर क्या करना चाहिए। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को ही दरख्वास्त दी जा सकती है। अदालत ने सवाल उठाया कि तजवीज और तायद कुनंद को रिटर्निंग अफसरान के सामने पेश होने से रोकना क्या इलेक्शन की शफाफियत पर असरअंदाज नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा पैमाना है कि साफ और शफाफ इलेक्शन को जिससे जांचा जाएगा। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अर्ज की कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किए हैं, मगर यही रिटर्निंग अफसरान थे कि जिनके खिलाफ पीटीआई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए उनकी तैनाती को रोकने का हुक्म सादर कर दिया था। इसी नौयत के एक और मुकदमे में पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने के फैसले को मुअत्तल करते हुए पीटीआई को इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दी। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करते हुए नजरसानी अपील दायर की और आज पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों को समाप्त के लिए मुकर्रर कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने एतराफ किया कि पीटीआई को इंतखाबात से बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है और अगर बल्ले के अलावा कोई दूसरा निशान मिला तो ले लेंगे, मगर इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए अभी मजीद कई दरिया पार करने हैं, मगर इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ भी अभी मुश्किलात से बाहर नहीं निकल पाए। नवाज शरीफ के दोनों हलकों से कागजात नामजदगी को चैलेंज कर दिया गया। NA 15 मानसेरा से वकार खान एडवोकेट ने अपील दायर करते हुए मौकफ अपनाया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने तायात ना अहल कर दिया, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं और ना ही नवाज शरीफ रिटर्निंग अफसर के पास बजाते खुद हाजिर हुए। रिटर्निंग अफसर ने हकायक के बरक्स मियां नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। इसी तरह NA 130 लाहौर से भी अवामी महाज के सरबरा इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तायात ना अहली को जवाज बनाकर उनके कागजात को चैलेंज किया है। तायात ना अहली के इस मामले को लेकर आज नैब ने भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज कर दिया है। नैब ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करते हुए मौकफ अपनाया है कि इलेक्शन लड़ने के लिए नैब से सजा याफ्ता शख्स की ना अहली की मुद्दत 10 साल से 5 साल करने के सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब की अपील मंजूर करते हुए कल समाअत के लिए इसे भी मुकर्रर कर दिया है और तायात ना अहली के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया है जो कल इसकी समाप्त करने जा रहा है। बात करते हैं, हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा तैमूर झगड़ा साहब मौजूद हैं। झगड़ा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया साथ देने का। अजब ही वक्त है, इलेक्शंस में फकत 5 हफ्ते रह गए हैं, 5वें हफ्ते में ये मुल्क में इलेक्शन हो जाएगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समातें भी शुरू हो गई हैं, क्या आपने भी रुजू कर लिया है? जी किया। एक तो आपने बड़ी जबरदस्त बात कही, मेरे ख्याल में कल से जो शुरू होगा वो पीटीआई वर्सेस पाकिस्तान की हुकूमती इंतजामिया पार्ट 3। नॉर्मली तो इलेक्शंस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान होते हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरीज काकर साहब और उनकी गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक अनोखा रोल जो है वो दे दिया। दावत में 4 जो सबसे शायद प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो चारों को डिस्क्वालीफाई किया गया और बड़े सिमिलर चार्जेस मुझे कहा गया आखिरी दिन पे, क्योंकि उससे पहले जो तीनों सीट्स पे मैंने जमा किए थे कागजात, तीनों आरओ उसने कहा था कि आपके कागजात भी ठीक है, मिसिंग भी कुछ नहीं है और कोई आउटस्टैंडिंग चार्जेस भी नहीं है। आखिरी दिन पे 2014-15 के एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में 30,000 रुपए की कमी आ गई। मुझे बता दें, मैंने 2018 में इलेक्शन किए तो 2014 में कमी कैसे आ सकती है। चले मैंने वो भी भर दी तो वही कमी 2015 में भी आ गई। तो ये तो मेरे ख्याल में इलेक्शन ट्रिब्यूनल इच्छा रिवर्स कर भी देगा, नहीं भी कर दे, हमारा काम फिलहाल हक के साथ खड़ा होना है, लेकिन कर देगा। लेकिन ये मुझे बताएं मैं कि अगर ये आरओ ये प्रेशर नहीं ले सकता तो ये आरओ इलेक्शन के दिन क्या करेगा, और अगर इसने
मेरे पे फेक एक इनकम टैक्स का चार्ज लगाया है तो क्या मैं इलेक्शन कमीशन जा सकता हूं और इलेक्शन कमीशन इसके अगेंस्ट एक्शन लेगा या सुप्रीम कोर्ट लेगा या हाई कोर्ट लेगा? तकरीबन हमारे 400 लोगों के कागजात मुस्तरद हुए, अब 2400 लोगों ने अप्लाई किया था, 2500 बल्कि एक्चुअली उससे ज्यादा होंगे, तो किसी सीट पे कैंडिडेट के होने का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पीटीआई की टॉप 200 लीडरशिप ले लें तो उसमें 180 या 190 जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए हो। और दो सवाल उठते हैं ना इधर से, दो सवाल उठते हैं, अगर 200 में से 190 आपके टॉप लीडरशिप कैंसिल हो गई है तो नंबर कितने पूरी उम्मीद है कि आपको गैर मामूली रिलीफ मिलेगा ट्राइब्यूनल से? नंबर टू, और अगर वो रिलीफ ना भी मिला तो फिर आप इलेक्शंस में उतरने के लिए और जीतने के लिए कितने पूरी उम्मीद है जब टॉप लीडरशिप ही आपकी फारिग कर दी गई है? चलिए मैं प्रेडिक्ट करता रिलीफ इसलिए मिलेगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लूं क्योंकि अदालतें वाकई एक आजाद रोल प्ले कर रही है। ये अलहदा बात है कि उनके डिसीजन पे को फिर हमारे सियासी मुखालिफ तनकीद के जर मिलाते हैं और ये कि इंतजामिया जहां पे मुमकिन हो उनके ऑर्डर्स को मानती नहीं है। लेकिन उसके बाद मैं ये प्रिडिक्ट कर दूं जब रिलीफ मिल जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पे ये जो चार्जेस है ये गलत है। अगर पीटीआई के 400 लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के 40 और मुस्लिम लीग के 20 हुए, तो ये रेशोज हो नहीं सकते। लेकिन जब ये रिलीफ मिलेगी तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि शायद एमल वली, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ एक ही बार, एक ही दिन, एक ही स्क्रिप्ट के साथ आएंगे और कहेंगे ये लाडले के बड़ा रिलीफ दे रही है। यही बड़ी मुश्किल सूरत हाल है ना सर, कि अगर रिलीफ मिले तो आप लाडले, रिलीफ ना मिले तो इलेक्शन में उतरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा दूसरा सवाल था बसूरत दीगर, अगर रिलीफ ना मिली, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू गोइंग इनटू दीज इलेक्शंस विद योर लीडर बिहाइंड बार्स एंड बाकी तमाम तरह की आदत जो है गॉन? ये पाकिस्तान के अवाम के हाथ में है कि 8 फरवरी को क्या होगा, और आज दिन तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं क्यों, और उसका सबूत भी है। उसका सबूत वो है जो आरोज ने हमारे कागजात के साथ किया, उसका सबूत वो है जो पंजाब पुलिस ने पंजाब पुलिस की रेप्यूटेशन के साथ किया, जो कि लग रही थी कि इंडिया से कोई जो है वो अमृतसर से पुलिस आई थी और पीटीआई के सारे कारकुनान को टारगेट कर रही थी। उसका सबूत वो है जो आज पिशावर हाईकोर्ट के सामने हुआ, जहां आधी पुलिस जो है वो खड़ी थी कि पीटीआई का जो भी लीडर आ जाए उसको अदालत जाने से पहले जो है वो खड़ा कर दिया जाए। मुझे हैरत ये होती है कि ये जो हमारे सरकारी अफसर है, एक तो मैंने वैसे अपने 5 साल में नहीं देखा कि कोई सरकारी अफसर चोरी भी कर दे, किसी को मेरे ख्याल में पार्टीशन के बाद नौकरी से मुस्तकिल तौर पर नहीं निकाला गया होगा। लेकिन अगर ये हो भी यार, ये तनख्वाह इतनी ज्यादा जरूरी है कि आपकी इज्जत, आपकी हैरत, मैदान में उतरने तो दे हमारी लीडरशिप को, किसी और निशान पे भी लड़ने को तैयार है? नहीं, जो तारीख के सबसे रिग्ड इलेक्शन होंगे तो उसमें हमारे लिए ये डू और डाई नहीं है कि बल्ले का निशान हो, इंतजामिया के लिए डू एंड डाई जरूर है, क्योंकि जो हर रोज नजर आ रहा है पीटीआई के साथ होते हुए, बल्ले का निशान होगा तो हर किसी को पता है बल्ले पे ठप्पा लगाना है, वो ठप्पा लगाएगा। नहीं भी होगा, सोशल मीडिया का जमाना है, जवान है, और ये सारे लोग जो है ये सर, सब देही इलाकों के अंदर तो खवातीन इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लिटरेसी रेट लो है, आपको लोगों को मोबिलाइज भी करना चाहिए, जरूरी पड़ता है। एक तरफ जिले इंतजामिया आपके खिलाफ है, दूसरी तरफ अगर आपका निशान आपके साथ ना हुआ, तमाम तरह उम्मीदवार अगर आजाद हैसियत से उतर रहे हो तो एक अफरा तफरी फैलने के भी इम्कान है। मैं आता हूं ना उसमें, मैं यही कह रहा था कि एक सोशल मीडिया मैसेज जाएगा, 80-90% लोगों को तो पता चल जाएगा कि कौन सा निशान किसका है, होगी 5-10% कंफ्यूजन, लेकिन मेरे ख्याल में मार्जिन इतने हैं कि 19-20 का रिजल्ट को फर्क पड़ सकता है। हम लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसके बाद जिसने इसको खरीदा हुआ है इलेक्शन के बाद, जितनी ये बेशर्म प्री पोल रिगिंग रही है उतनी बेशर्म पोस्ट पोल रिगिंग रहेगी। तो लेट्स से कि पीटीआई लगता तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में 100 में से 80-85 सीट जीत जाएगी, शायद ये कोशिश करें कि 30-40 लोगों को खरीद ले, ब्लैकमेल कर दें, किसी ना किसी तरीके से एक नॉन पीटीआई गवर्नमेंट बना ले, उससे पाकिस्तान का भला होगा। इसका जवाब आप ही देंगे और आपके व्यूअर्स ही देंगे। सर, बल्ले के अब इंतखाबी निशान की बहाली के खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त समाप्त के लिए मुकर्रर कर ली है, अब उसका भी फैसला हो जाएगा, लेकिन 9 मई के आपके 51 पीटीआई मुलजमान की जायदादें भी जब्त हो गई हैं, उनके भी बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं तमाम तर नेबरहुड्स के अंदर। अब पीटीआई के रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन आपके तकरीबन 50 से ज्यादा है पीटीआई के रहनुमा गालिबन, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है इंतकामी कार्रवाई रोकी जाए, एंड देन देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ कोर्ट हियरिंग्स दिस वीक फ्रॉम ना अहली केस से लेके इलेक्शन कमीशन या पेशावर हाई कोर्ट तक, आप लोग कितने पुर उम्मीद हैं कि ये बाकी रास्ता थोड़ा थोड़ा खोल दिया जाएगा इलेक्शन में उतरने से पहले?
मेरे ख्याल में कोर्ट्स तो लार्जली अपना काम कर रहे हैं, उनपे वॉल्यूम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और जो कम्प्लेक्सिटी है चीजों की वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आगे बड़ा क्लियर है कि जो इंतजामिया में जो लोग तनख्वाह ले रहे हैं पुलिस के हो, एडमिनिस्ट्रेशन के हो, इलेक्शन के हो, कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, एंटी पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी। कोर्ट्स रिलीफ देगी, लगता ये है मैं कि 8 फरवरी तक जब तक पीटीआई का वोट नहीं टूटा तो कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। इन पीटीआई के तैमूर झगड़ा और मेहर बुखारी की गुफ्तगू आपने सुनी। तैमूर झगड़ा ने बिल्कुल ठीक कहा कि इन आरोज से हमें यही उम्मीद थी जो इन्होंने हमारे कैंडिडेट के साथ किया। तैमूर झगड़ा ने कहा कि हमारी टॉप 200 उम्मीदवारों में से 190% उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर दिया गया है और अब हमारी सारी की सारी नई क्यादत है जिनके कागजात एक्सेप्ट किए गए हैं, मगर इसके बावजूद हम इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, हम डट के खड़े हैं और हम मुकाबला करेंगे। हमारे हर हलके में 8 से 10 कवरिंग कैंडिडेट हैं। तैमूर झगड़ा ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों को ऐसे उठाया गया जैसे ये पुलिस हमारी नहीं बल्कि इंडिया अमृतसर से आई है और सिर्फ पीटीआई के खिलाफ क्रैक डाउन का इनको टारगेट दिया गया है। तैमूर झगड़ा ने कहा कि तमाम सियासी जमातें हमारे बल्ले के निशान के पीछे पड़ी हैं कि इनसे बल्ले का निशान छीन लिया जाए, मगर आज हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने वाजिया पैगाम दिया है कि हमें कोई भी निशान दे दें, हम इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे और मुकाबला करेंगे। तैमूर झगड़ा ने कहा कि नून लीग सियासी मैदान में पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए इनकी कोशिश है कि पीटीआई को कोई भी निशान ना दिया जाए, पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ें ताकि अवाम में कन्फ्यूजन रहे और पीटीआई को वोट ना पड़ सकें, मगर अवाम भी डट के खड़ी है और इमरान खान का साथ देने के लिए उन्होंने तहिया कर रखा है। अवाम डट के खड़ी है और इमरान खान को ही नेक्स्ट वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।